हरियाणा के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला। करनाल की एक चुनावी रैली में राघव चड्ढा ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दिया वो आज टिकट छोड़कर भाग रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में इस बार बीजेपी और जेजेपी को जमानत जब्त पार्टी बनाना है। भाजपा को और जजपा को जमानत जब्त पार्टी बनाने का काम आप सबने करना है। जमानत जब्त पार्टी बनाने का भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में एक फ्लॉप पिक्चर जैसी हो गई है, जो फ्लॉप फिल्म हो जाती है, जिसकी टिकट थिएटर में जाकर पिक्चर देखने की टिकट कोई नहीं खरीदता, वो हालत आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हो गई है। गलत तो नहीं कह रहे जी? जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते थे आज वो घर पर बैठे हैं, जिनको बीजेपी टिकट दे रही है वो लोग अपनी टिकट वापस दे रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग नामांकन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नामांकन भी वापस ले रहे हैं। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के सूबे में हो गए हैं साथियों। राघव चड्ढा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा की जनता अलर्ट है, जल्द ही आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी। सिर्फ लूट की छूट और जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार पंजाब और दिल्ली में रही है, हरियाणा की जनता सजग है, उसे पता है कि उसका कल्याण भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने में ही है। राघव चड्ढा जी, कल तक तो आप हरियाणा के चुनाव कांग्रेस पार्टी के संग लड़ना चाहते थे, अब क्योंकि वहां पर गठबंधन नहीं हुआ तो मजबूरी में प्रत्याशी उतारने पड़े हैं। परंतु आपने एक बात सही बोला, हरियाणा के एक तरफ दिल्ली जहां पे लोकसभा में 0 out of 7 मिली जहां सरकार है, दूसरी तरफ पंजाब जहां सरकार है तो वहां पे 3 out of 13 मिला। तो मतलब कि जिस प्रकार से दिल्ली ने रिजेक्ट किया, जिस प्रकार से पंजाब ने रिजेक्ट किया, आज फिर से आप रिजेक्ट होने वाले हो। News 18 India चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News 18 India चौपाल देखिए सिर्फ News 18 India पर।